तलाशी अभियान लॉन्च किया है। जैश के 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की वहां पर आशंका है। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। कल से ये तलाशी अभियान चल रहा है बसंतगढ़ में, और इनपुट इस तरीके से थे एजेंसियों के पास कि वहां पर 4 से 5 जैश के आतंकी छिपे हुए हैं, और इस इनपुट के मिलने के बाद ही वहां पर बाकायदा एक सर्च ऑपरेशन ऑन किया गया ताकि इन आतंकियों को वहां पर घेरा जा सके। उधमपुर के जिस इलाके में सेना का तलाशी अभियान जारी है वहां पर हमारी टीम भी मौजूद है। सर्च ऑपरेशन पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, देखिए सुहेल की रिपोर्ट। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंक विरोधी अभियान लगातार जारी है। हम इस समय कन्नड़ जो कि बसंतगढ़ का इलाका है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल देर शाम से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एक जो मुठभेड़ शुरू हुई थी वो आज दूसरे रोज भी जारी है, और जो सुरक्षा बल है वो इस वक्त तलाशी अभियान जो है वो जारी रखे हुए हैं। एक वसी इलाका है, जंगली इलाका है जहां पर ये कल शाम जो मुठभेड़ है शुरू हुई थी, और सूत्रों माने तो जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी संगठन के जो आतंकवादी है वो इस इलाके में छुपे बैठे हैं। एक सूचना सुरक्षा बलों के पास थी, उसके बाद ही एक पूरा तलाशी अभियान चलाया गया था। पूरे दिन तक जो है अभियान जारी रहा और उस बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। अब आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी ये जो अभियान है लगातार यहां पे जारी है। भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम इस पूरे तलाशी अभियान में इस वक्त शामिल है, इस पूरे आतंक विरोधी अभियान में शामिल है, और ये आज दूसरे रोज भी जारी है। इससे पहले हमने देखा कि जम्मू डिवीजन में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी और उन्हीं पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने एक वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किए हैं। हर जगह, चाहे वो कठुआ हो, डोडा हो, या फिर पीर पंचाल के राजौरी और पुंछ जैसे इलाके हो, वहां पर भी सुरक्षा बलों के लगातार जो तलाशी अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। लगातार पूरे इलाके हैं इन पर नजर रखी जा रही है, और जो आतंकवादी है उनको ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इस समय उधमपुर के बसंतगढ़ में जो आतंक विरोधी अभियान है वो लगातार जारी है, और थोड़ा सा इस एरिया के बारे में भी आपको जानकारी दूं कि कितना किस तरह की चुनौतियों का सामना सुरक्षा बलों को इन आतंक विरोधी अभियानों में करना पड़ता है। आप देखिए अभी भी धुंध छाई हुई है इन पहाड़ों पर, और इन्हीं जंगलों में जो जंगली इलाके हैं इन्हीं में ये आतंकवादी छुप कर बैठते हैं और बीच में घात लगाकर सेना पर हमला बोलते हैं। इसीलिए जो है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खासतौर पर ये अभियान शुरू किए हैं, और पूरे इस रीजन में, जम्मू रीजन में इस तरह के अभियान शुरू किए हैं। आप देखिए कि किस तरह की जो वैलीज है, किस तरह की वेजिटेशन है, उसमें भी जो है जो सामना करना पड़ता है सुरक्षा बलों को उस तरह की चुनौतियों का, और खासतौर पर जो फॉरेस्ट एरिया आप देखेंगे कितने घने जंगल है इस पूरे इलाके में, और इन्हीं घने जंगलों में आतंकवादी छुप कर बैठते हैं और फिर एम्बुश लगाते हैं या घात लगाकर सेना पे हमला करते हैं। उन हमलों को कम करने के लिए और आतंकवाद का सफाया करने के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन जारी है। आज दूसरे रोज बसंतगढ़ जो कि उधमपुर का इलाका है यहां पर जैश मोहम्मद आतंकी संगठन के आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन जारी है। कैमरा पर्सन शफी के साथ सोहेल, बसंतगढ़।